नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। ये होने वाली है तीसरी वीडियो मुकेश हुंडई में। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको डेडिकेटेडली मुकेश हुंडई के बारे में बता दिया था, बट अब गाइस Hyundai Verna 2023, without wasting much time, let's get started, let's see this car, there you go, just check this out, black color mein kya amazing lag rahi hai guys, ye, is gaadi ka hum aaj karne wale hain walk around review, aapko kuch specs and features batayenge, kuch engine ke baare mein details denge, aap is gaadi mein kya expect kar sakte ho, kya iski on road pricing ho sakti hai, क्या इसकी एक शोरूम प्राइसिंग है, एवरीथिंग। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए इसको जरूर से लाइक करना, कमेंट सेक्शन में हमें अपने फीडबैक प्लीज कंटिन्यू करना, और लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द कीज। सो ये आपकी कीज गाइस, जो नॉर्मल हर आजकल Hyundai की कीज है, जिसमें लॉक अनलॉक ऑटो स्टार्ट एंड टेल गेट ओपन का ऑप्शन हमें मिल जाता है। इस पर्टिकुलर कलर की अगर बात करें तो मैंने बोला था ब्लैक नहीं है ये, कुछ स्टारलाइट ग्रे ऐसा कुछ कलर्स है। मैं ब्रोशर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। ये हमारे सामने जो मॉडल है SX ऑप्शनल, जो फुल्ली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के संग है। इसके बारे में हम आपको और बताएंगे, बट सबसे पहले चलो हम बात करते हैं अब फ्रंट प्रोफाइल की। सो गाइज, द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इन दिस पर्टिकुलर वर्ना इज इट्स एरोडायनामिक फीचर्स। जस्ट चेक दिस आउट गाइज, पुराने वाले के कंपैरिजन ये बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक हो गई है। अगर आपको यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत बड़ी सी Hyundai की बैजिंग मिलती है, जो एक सैटिन फिनिश में है, एल्यूमिनियम जो सैटिन फिनिश जो होती है वो है। यहाँ पर आप लोग आपको देखने को मिल जाती है ये कुछ ग्लॉसी सी ग्रिल, जो i20 से थोड़ी सी इंस्पायर्ड है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा LED लाइट का सेटअप, और उसके ऊपर में ये रैप अराउंड डे टाइम रनिंग लाइट्स, जो भी LED का सेटअप है। यहाँ पे हमें टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो हेलोजन हैं। ये हमें सामने को देखने मिल जाते हैं चार पार्किंग सेंसर्स गाइस। एक चीज जो हमें यहाँ पर मिसिंग लग रही है वो है ADAS लेवल 2 के सेंसर्स। नाउ बिकॉज ये आपकी दो, इट इज SX ऑप्शनल मैनुअल, बिकॉज ये मैनुअल है इसलिए हमें इसमें ADAS 2 के फंक्शंस नहीं मिलते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑटोमेटिक जो DCT इंजन इसकी जो है 1.5 लीटर की, और इसकी जो IVTEC वाली जो इंजन है ऑटोमेटिक वाली, उसमें शायद ADAS के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ हमें देखने को मिल जाता है रेन सेंसर्स। यहाँ पर हमें जो वाइजर्स जो है वो सिंगल ब्लेड वाले मिलते हैं, नॉट द ट्विन। That should be a mandate now. वो डबल ब्लेड वाले वाइजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। गाड़ी का हुड जो है गाइज, ये बहुत ही बड़ा मैसिव सा है इन कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर। और यहाँ पर हमें देखने को और मिल जा रहा है ये कुछ AC डक्ट्स हैं जो इंजन को कूल करेंगे। चलो चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। सो गाइज, दिस कार इज डेफिनेटली लॉन्गर देन इट्स प्रीवियस कार। गाड़ी के अगर सिर्फ डायमेंशंस की हम बात करें तो यहाँ पर गाड़ी की जो लेंथ है वो है 4535 मीटर की, जो 4.5 mm के ऊपर है। गाड़ी की अगर व्हील बेस की हम बात करें तो वो है 2670 की। इसकी अगर हम सिर्फ विथ की बात करें तो गाड़ी की विथ है वो है 1765 mm, और हाइट जो है वह है 1475। तो लेट्स कंटिन्यू विथ द साइड प्रोफाइल। सो यहाँ हमें 205/55R16 के टायर्स मिल जाते हैं, जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स है। सामने में डिस्क है, और हमें पीछे में इस कार में ड्रम देखने को मिलता है। आई बिलीव जो DCT वाली होगी उसमें फ्रंट एंड बैक दोनों में डिस्क ब्रेक्स होंगे, बट आई एम नॉट टू श्योर, सो आई एम नॉट गोना कॉमेंट ऑन दैट। यहाँ पर जो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मैं आपको स्क्रीन के नीचे में मेंशन कर दे रहा हूँ, बिकॉज करेंटली आई एम नॉट श्योर। यहाँ जो पैसेंजर साइड जो है वहाँ पे हमें सेंसर्स, जो रिक्वेस्ट सेंसर होता है वो नहीं मिल रहा है। बॉडी कलर्ड ORVM मिल रहे हैं विद द टर्न इंडिकेटर्स, नो 360 डिग्री कैमरा। गाड़ी का अगर कुछ लुक्स की बात करें तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा हमें ये कुछ गार्निश सी मिल रही है। A पिलर, B पिलर एंड C पिलर
ऑल आर इन मैट ब्लैक फिनिश प्लास्टिक, बट ये एक एडिशन जो है जो गाड़ी को अच्छा सा लुक दे रहा है. टॉकिंग अबाउट द रूफ, इट गेट्स अ सनरूफ ओवर हियर एंड अ शार्क फिन एंटीना. यहाँ पर आपको जो फ्यूल लिड है वो देखने को मिल जाती है. चलिए चलते हैं गाड़ी के रेयर प्रोफाइल पे. तो दैट्स अगेन अ मैसिव चेंज गाइज. अ रैप अराउंड एलईडी टेल लाइट जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. कमेंट सेक्शन में हमें बताएं गाइज. टर्न इंडिकेटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं. ऑल्सो द पार्किंग ब्रेक्स. ह्यूंडई की बहुत बड़ी सी बैजिंग एंड वर्ना यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी जो स्लाविया एंड वर्टस जो है उससे थोड़ा सा मुझे इंस्पायर्ड लग रहा है. यहाँ पे भी हमें एक टेक्सचर सी फिनिश मिल रही है पियानो ब्लैक में. लुक्स गुड. पार्किंग सेंसर्स है 1, 2, 3 एंड 4. चलो इसके बूट में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें बूट स्पेस ऑफर होता है. सो ओके, सो इट हैज़ दिस थिंग गाइस. ये जो होता है ना बूट में, ये क्या करता है, जब आप कोई सामान रखते हो ना तो ये थोड़ा सा स्पेस खा जाता है और अटकता है. आई बिलीव जस्ट लाइक कपल ऑफ यू नो टाटा कार्स, जो उन्होंने ना हाइड्रोलिक्स दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो बहुत अच्छा एडिशन होता है. दैट शुड बी द केस. टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस गाइज, इसकी जो बूट स्पेस है वो लगभग 528 liters की है. यार मैं आराम से फिट हो जाऊंगा, इतनी बड़ी है. बूट में कुछ लाइट हमें नहीं देखने को मिलती है. यहाँ पर कुछ टूल्स हमें देखने को मिल जाते हैं और इसका जो एक साइज छोटा टायर मिलता है जो अलॉय नहीं है, स्टील रिम का है. सो दैट इज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग इन माय ओपिनियन. इलेक्ट्रिकली टेल गेट ओपन एंड क्लोज नहीं होता है, मैनुअली है. तो इसको हम बंद करते हैं. यहाँ हमें देखने को मिल जाता है स्टॉप लैम्प, रेयर डिफॉगर्स और जो सन वाइजर सन शेड्स जो है वो मैनुअली शायद यहाँ पर हमें देखने को मिल जा रही हैं. गाड़ी के जब अंदर जाएंगे तो और भी अच्छे से देखने को मिलेगा. तो चलो गाइस गाड़ी के रेयर सीट में चलते हैं और देखते हैं. सबसे पहले डोर. तो डोर जो है वो काफ़ी ही ब्रॉड खुलता है गाइस. यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी हार्ड प्लास्टिक है जो हमें देखने को मिलती है, बट जो आर्म रेस्ट है वो सॉफ्ट टच में हमें मिल जाता है. ये भी हार्ड प्लास्टिक है. ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें पावर विंडोज़ देखने को मिल जाते हैं. ये इसके डोर हैंडल लॉक एंड अनलॉक. एक लीटर की बॉटल यहाँ पे आ जाएगी विद सम स्पेस. बोस के स्पीकर्स हैं. सीट जो है वो लेदराइट सीट की अपोल्स्ट्री है. और चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कम्फर्ट है. So entering the car guys, because it's a sedan and Hyundai has always made a very low sedan, they've always made low sedans जिसके ground clearance कभी भी उतनी अच्छी नहीं रही है. उसके कुछ negatives हैं तो कुछ plus भी हैं. जो सबसे पहले इसके हम floor की बात करते हैं, तो floor पे definitely हमें यहाँ पे एक bump देखने को मिल रहा है, but वो उतना ऊँचा भी नहीं है. बीच वाला passenger जो है वो आराम से बैठ पाएगा. इसमें हमें center armrest मिल जा रहा है, but head रेस्ट जो है वो एडजस्टेबल खाली दो पैसेंजर्स के लिए मिल रहा है. जो मैंने बोला था ये सनशेड जो है वो मैनुअली शायद आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, विच आई जस्ट डिड. यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स हमें मिल जाते हैं. यहाँ पर हमें केबिन लाइट जो वाइट लाइट है वो देखने को मिल जाती है. यहाँ पर भी एक है ग्रैब हैंडल है विथ अ हुक. लेग रूम की बात करें गाइस, तो इस गाड़ी में जैसे मैंने लेंथ बताया, आपकी गाड़ी को लेंथ बताई थी, व्हील बेस बताया था, बहुत चौड़ बहुत लंबी गाड़ी है, तो लेग रूम हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है. सामने वाली सीट जो है पूरी की पूरी पीछे की हुई है. उसके बावजूद मैं 6 feet का हूँ तो मुझे बहुत अमेजिंग लेग रूम मिल रहा है. यहाँ पर मैगजीन होल्डर दोनों में मिल जा रहे हैं. यहाँ पर AC वेंट्स है जिसके कंट्रोल्स नहीं है, तो अगर आपको ठंड लगेगी AC है तो यहाँ पर कुछ कपड़ा रख दो, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है. यहाँ पर कुछ फ़ोन रखने के लिए या कुछ सामान रखने के लिए ये आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं. USB Type-C के दो हमें चार्जिंग सॉकेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं. 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं गाइस. बहुत अमेजिंग कंफर्ट है सीट का. थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड विच आई वाज सेइंग. कुछ प्लस है कुछ माइनस है. लो गाड़ी लो ग्राउंड क्लीयरेंस वाली गाड़ी की सबसे बड़ा प्लस है, रेयर पैसेंजर को जो होता है ना वो बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है. थाई सपोर्ट अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा होता है. पांव बहुत अच्छे से टक इन हो रहा है विच इज़ अमेजिंग. लॉन्ग ड्राइव पे बहुत मज़ा आने वाला है इस गाड़ी में. चलो चलते हैं ड्राइवर सीट पे. सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर. और ये सारे के सारे जो डोर हैंडल्स हैं ना गाइस, क्रोम में नहीं है, ये सैटिन फिनिश में है, जो यूनिक ही नहीं लग रहे हैं, बहुत स्टाइलिश भी लग रहे हैं. अगेन द बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स. डोर खोलते हैं. मैं आपको थर्ड पीछे वाले डोर का सुनाना भूल गया, सामने वाला बताता हूँ. अगेन दिस इज ऑल हार्ड प्लास्टिक गाइज, ऑल आर हार्ड प्लास्टिक.
यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर ORVMs के कंट्रोल हमें मिल जा रहे हैं, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, दो लॉक अनलॉक, फ्रंट जो ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो पावर्ड ऑटोमेटिक अप एंड डाउन है, बाकी सारे के सारे मैनुअली अप एंड डाउन है बट पावर्ड है। ये आपको जो चाइल्ड लॉक है वो आपने को यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। अगेन बोस के जो स्पीकर सेटअप है वो अपने को देखने को मिल जा रहा है। 1 लीटर 500 ml की बॉटल यहाँ पे रख सकते हो और थोड़ी सी और स्पेस है वो भी हमें यहाँ पे ऑफर मिल रही है। ये इसका ग्रैब हैंडल है। बिफोर आई एंटर यहाँ पर हमें हाइट एडजस्टेबल कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं बट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपका फ्रंट एंड बैक एंड लंबार ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है विच इज़ अ न्यू एडिशन एंड अ वेलकम एडिशन इन दिस कार। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। वाह यार क्या अमेजिंग फील है। डोर थर्ड Hyundai ऑलवेज मेक्स क्वालिटी कार्स बट वही बात आ जाती है कि इसकी जब सेफ्टी रेटिंग की बात आती है तो पता नहीं क्यों 5 स्टार नहीं अचीव कर पाती है। मुझे नहीं पता बट मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, संभाल के चला तो गाड़ी में बहुत दम है। चलो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है वो है इसकी स्टीयरिंग, जो एक 2-स्पोक स्टीयरिंग है जहाँ पे यहाँ पर हमें क्रूज कंट्रोल का सेटअप मिल जा रहा है विथ आई बिलीव इंफोटेनमेंट सिस्टम का हमें कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। फोन नहीं, इंफोटेनमेंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, माय अपोलॉजीज। मोड को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं तो आई बिलीव इस गाड़ी में हमें डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं बिकॉज इट्स अ पेट्रोल कार गाइज। आई कैन नॉट स्टार्ट इट एंड शो इट टू यू बट लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग। चलो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है तो मैं खाली इसको एक बार प्रेस कर देता हूँ और देखता हूँ कि ये गाड़ी चलो एक बार के लिए ऑन हो गई है। यहाँ पे हमें जो ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का फंक्शन है वो मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का मिल जाता है एंड हेडलाइट की जो एडजस्टमेंट होती है वो मिल जाता है। यहाँ पे हमें मिल जाता है एसी वेंट। बात करें अगर डैशबोर्ड की तो ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है गाइज, दैट इज अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट बट ये सॉफ्ट टच में आपको दिया गया है विच इज गुड। यहाँ पर जो एसी वेंट्स का जो सेटअप किया बहुत सुंदर सा किया है, ये 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड MID आपको ऑफर किया गया है। ये देखो ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये भी स्टार्ट हो गया, चलो फैंटास्टिक। यहाँ पे हमें पूरा का पूरा डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल रहा है और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम इट्स बीन टिल्टेड टुवर्ड्स द ड्राइवर विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको रिफ्लेक्शन भी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से आप बिना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए आप इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत अमेजिंग फीचर लगी गाइज मुझे यहाँ पर। दिस सेटअप इज नॉट जस्ट योर AC के कंट्रोल्स बट ऑल्सो योर इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। ये अगर प्रेस कर दोगे तो देखो यहाँ पे आप ट्रैक चेंज कर सकते हो, आप मीडिया का कंट्रोल यहाँ पे सब कर सकते हो, और अगर इस बटन को प्रेस कर दोगे तो ये AC के कंट्रोल्स यहाँ पर हो जाएंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फीचर। ज्यादा कुछ है नहीं, एम्बियंट लाइट ऑफकोर्स, एम्बियंट लाइट बहुत खूबसूरत लग रही है गाइस। आई बिलीव 60 कुछ एम्बियंट लाइट्स है जो ऑफर करती है गाड़ी में, बहुत अच्छी प्रीमियम सी फील देखने को मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट द सीट कंफर्ट फॉर द ड्राइवर, इट इज फैंटास्टिक। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, अमेजिंग थाई सपोर्ट, बहुत अच्छी शोल्डर रूम है, क्या ही कहने, ब्रिलियंट। यहाँ पर आर्मरेस्ट हमें देखने को मिल जाता है जो थोड़ी बहुत स्पेस ऑफर करता है। हैंड ब्रेक्स आर मैनुअल। हमें यहाँ पर 6-स्पीड मैनुअल गियर शिफ्टर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग अमेजिंग, हाँ यहाँ पे पार्किंग लाइट का हमें बटन भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम हमें यहाँ पर लीवर भी मिल रहा है, फैंटास्टिक। ये पार्किंग रियर पार्किंग कैमरा, यहाँ पे प्रेस करने से इसको ये ऑन हो जाता है। रियर पार्किंग कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सो नो कंप्लेंट्स विद दैट, इट हैज ऑलवेज बीन ग्रेट। और क्या, ग्लव बॉक्स, सो ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो डिसेंट स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है गाइस, डिसेंट स्पेस है, और यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। पैसेंजर साइड डोर में भी आपको बहुत 1 लीटर 500 ml की बॉटल रख सकते हो आप। यहाँ पे डोर ग्रैब हैंडल्स हैं विच इज गुड। सैटिन फिनिश में अगेन ये जो डोर हैंडल्स है वो आपको देखने को मिलती है। वंस अगेन ब्रिलियंट थर्ड। तो ये है आपकी न्यू Hyundai Verna। अभी चलो यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। सो यहाँ हमें मैनिटी मिरर्स देखने को मिल जाते हैं बट कोई लाइट नहीं है, सो लाइट के लिए हमें इसको यूज करना पड़ेगा विच इज ओके। व्हाइट लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं जो फोल्डेबल है, स्लाइडिंग फोल्डेबल है, बट यहाँ पे वो नहीं है, सो आई डोंट नो व्हाई। टिकट होल्डर नहीं है, सो दैट्स ओके, आई कैन यू कैन यूज दिस स्पेस। सो यहाँ पर आपको USB टाइप सी का आपको प्लग मिल जाता है, 12 वॉट सॉकेट मिल जाता है, USB का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है,
एंड वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलो ये देखो, ये मैं आप ऑलमोस्ट मिस हो जाता बिकॉज इतने सुंदर से इसने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है कि मुझे पता ही नहीं चला। सो फ्रंट टू सीट्स आर वेंटिलेटेड, द पैसेंजर पीछे वाली सीट्स जो है वो आपकी शायद से हीटेड भी हैं। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग, मैं कुछ गलत तो नहीं बता रहा हूँ यार कि ये खाली फ्रंट के ही है? आप कमेंट सेक्शन में बताना हाँ गाइज अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, या फिर फ्रंट सीट जो है वो वेंटिलेटेड और हीटेड दोनों है, कुछ एक चीज है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को प्लीज बता देना। अदरवाइज गाइज द फील ऑफ द इंटीरियर इज वेरी 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 गुड, क्या कहने। ऑफकोर्स द IRVMs आर ऑटोमेटिक विच इज थैंक गॉड, अच्छी बात है। अभी चलो देखते हैं इसका सनरूफ जो कितना खुलता है, उतना ही खुलता है जितना खुलना चाहिए क्योंकि इंसान तो निकलना नहीं चाहिए इससे, तो इतना काफी है। और यार सनरूफ ना स्टार्टिंग का मजा आता है, उसके बाद कुछ नहीं है। रात के टाइम पे भी आप एसी चला कर रखोगे तो खाली इसका एंजॉय कर सकते हो आप, और ये मैनुअली क्लोज एंड ओपन करने का ऑप्शन। पूरी की पूरी व्हाइट अपोल्स्ट्री, आजकल ये जो नया सा कुछ चला हुआ है जो मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ गाइस, बहुत ही अच्छा प्रीमियम सा लुक देता है गाड़ी को। मेंटेन करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है बट आपके ऊपर है, कर लो मेंटेन, कर पाओगे तो बहुत अमेजिंग है। इंटीरियर्स में भी पूरे जो ABC पिलर्स है पूरे के पूरे व्हाइट फिनिश में है, जो आपकी रूफ है वो भी पूरी व्हाइट फिनिश में है। यहाँ वाला जो डुअल टोन मिल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट का, व्हाइट तो है नहीं बेज होता है, सो दैट इज ओके। बहुत अच्छी स्पेस है गाइस, शोल्डर रूम एज आई सेड इज वेरी गुड, अगर पास में कोई बैठेगा तो शोल्डर नहीं टकराने वाला है विच इज फैंटास्टिक। चलो चलते हैं और देखते हैं कि इसके हुड के नीचे क्या है और ये हमें क्या ऑफर करता है। वेट अ सेकेंड, आई थिंक आई स्टेप्ड आउट ऑफ द कार विदाउट स्विचिंग इट ऑफ, सो लेट मी स्विच ऑफ द कार, देयर यू गो, गाड़ी को मैंने स्विच ऑफ कर दिया। एंड चलते हैं इसके हुड पे, फोन को मैं पकड़ लेता हूँ लेफ्ट हैंड में बिकॉज आई एम अ राइट हैंडी। वो गाइज इट इज अ हैवी हुड। इंसुलेशन हमें यहाँ मिल जा रही है, ये ऑब्वियसली हाइड्रोलिक्स है नहीं इसमें। यहाँ पे हमें 1.5 लीटर फुल्ली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिल रहा है विच विल हैव द बेसिक सेफ्टी फीचर्स ऑफ ABS, EBD, 6 एयरबैग्स जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरियंट्स। द हुड इज रियली हैवी, बिलीव मी आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कभी अगर आप खुद ट्राई करना और बताना हुड कितना हैवी है, विच इज अगेन फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अमेजिंग। दैट्स अबाउट इट गाइज, आई एम इन लव विद दिस कार एंड आई If I was driving, मैं ड्राइव कर रहा था आपकी Hyundai Accent, मैं उससे बड़ा खुश था, वरना ऑलवेज चाहता था उस वक्त, वरना अफोर्ड नहीं कर सकता था, बट देन आई शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में Nexon मुझे मिल गई। ये यार अफोर्डेबल है, इसकी ऑन रोड प्राइस कुछ 16 लाख पड़ेगी आपको, एक शोरूम कुछ 13-13.5 लाख। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा पूरी प्राइस ब्रेकअप, ब्रोशर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दूंगा, गाड़ी स्क्रीन के नीचे भी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है गाइस तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना गाइस, मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा ऑल दीज अमेजिंग कॉन्टेंट एंड वीडियोज। बट टिल देन आई वॉन्ट टू साइन ऑफ फॉर टुडे, आई एम टायर्ड बट द एनर्जी इज स्टिल अप ऑल फॉर यू गाइज। सो Till I see you on the next video, take care, God bless, and I love you all. See you soon.